ठीक नहीं थी। मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहूंगी जो इतने दूर से मेरे स्टॉल पे आए चाय पीने के लिए। सुबह मैंने सोचा कि मैं जाऊं स्टॉल पे, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं उन लोगों से माफी मांग हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लाइंग फूड अराउंड। गाइस, एक दो दिन पहले यहाँ पे प्रियंका ने अपने टी स्टॉल बंद कर रखा था, तो लोगों ने यहाँ पे काफ़ी ये वो सोच लिया कि अचानक से चाय वाली गई कहाँ। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आके उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसका कारण बताया है यहाँ पे स्टॉल बंद होने का। तो गाइस, वीडियोस आपको आगे देखने को मिलेगा। तो संडे को स्टॉल बंद था इनका, और शायद मंडे को भी, शायद गाइस मंडे को अगर नहीं हुआ तो आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताना मंडे को बंद था या नहीं। जैसा कि अभी इस वक्त हम लोग पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने, प्रियंका जो कि टी स्टॉल यहाँ पे लगाया है इन्होंने और ग्रेजुएट चाय वाले के नाम से यहाँ पे फेमस है। और गाइस, जैसा कि देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है हमेशा की तरह यहाँ पे, कभी ज़्यादा भीड़ कम नहीं होती, आज भी उतनी भीड़ होती है। तो और गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें न्यू शख्स देखने को मिल रहे हैं जो कि वाइट शर्ट में है। ये एक्चुअली जो चाय सर्व कर रहे हैं ये प्रियंका के भाई हैं। हम लोगों ने इनसे बात किया है तो इन्होंने बताया कि ये इनके भाई हैं जो कि उनको सपोर्ट करने आए हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है गाइस। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो जैसे ही गाइस स्टार्टिंग में मैंने देखा था इन बाबा को, तो गाइस बता दूँ ये बाबा कोई बाबा नहीं है, मतलब कोई डैड वैड नहीं है इनके चाय वाले के। ये एक भिखारी हैं जो कि प्रियंका इन्हें हेल्प कर रही थी कुछ पैसे से। तो सुने ये बाबा क्या कहते हैं। ले लीजिए, भूख लगा है मेरा बेटा है, आप पैदा ओकरा किए बेटी नहीं बेटी नहीं गाइस। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गाइस यहाँ पे हमें टाइम नहीं मिला कि हम प्रियंका के साथ थोड़ी गुफ्तगू कर लें इस सिलसिले में। गाइस नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम लोग प्रियंका से बात करेंगे। फिलहाल वो वीडियो हम लोग देख लेते हैं जिसमें प्रियंका ने कहा था वो क्यों उन्होंने अपनी चाय की टपरी बंद कर रखा था टी स्टॉल। आइए वीडियो देखते हैं गाइस। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज मैं स्टॉल नहीं लगा पाई क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी जो इतने दूर से मेरे स्टॉल पे आए चाय पीने के लिए। सुबह मैंने सोचा कि मैं जाऊँ स्टॉल पे, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी जो इतने दूर से मेरे स्टॉल पे आए चाय पीने के लिए। सुबह मैंने सोचा कि मैं जाऊं स्टॉल पे, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहूंगी जो इतने दूर से मेरे स्टॉल पे आए चाय पीने के लिए। सुबह मैंने सोचा कि मैं जाऊं स्टॉल पे, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक्चुअली मैं बिस्तर से उठने के भी हालत में नहीं थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है। शायद इतने दिन मैं धूप में रही, उस समय बहुत जोश था कि हाँ ये करना है करना है, मैंने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया जो आज मुझे दिख रहा है। तो आई होप कि मैं शाम तक ठीक हो जाऊं और कल से मैं कंटिन्यू रखूं। हाँ, और एक और चेंज आपको देखने को मिल सकता है कल से, जो मेरा कार्ट था ना वो बहुत छोटा पड़ रहा था, भीड़ काफ़ी हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उससे एक बड़ा कार्ट लिया जाए और फिर टाइम ड्यूरेशन जो है मेरे शॉप का वो भी और इंक्रीज किया जाए ताकि मेरे कस्टमर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड फिर से मैं सॉरी बोलना चाहूँगी मैं आज आ नहीं पाई। जैसा कि प्रियंका ने बताया यहाँ पे उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इस वजह से इनके भाई भी आज इन्हें सपोर्ट करने आए हैं। तो गाइस देख सकते हो वीडियोस में कैसे इनके भाई सर्व कर रहे हैं। और गाइस जैसा कि बात कर रही थी ग्रेजुएट चाय वाली, इनका कार्ट काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ रहा है कस्टमर के हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा इनके कस्टमर्स बन रहे हैं और कार्ट काफ़ी छोटा है, तो कार्ट भी शायद अब बड़ा देखने को मिलेगा बहुत जल्द। और गाइस
सो गाइज मेक श्योर गाइज सब्सक्राइब जरूर करना, फिर से मिलेंगे इसी जगह पे एक नए वीडियो के साथ, और फिर से एक बार जरूर बात करेंगे ग्रेजुएट चाय वाले के साथ जब इनका कार्ट अगर बड़ा हो जाता है, तो एक बार मिलने हम लोग जरूर आएंगे प्रियंका मैम के साथ, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इनसे मिलके हमें। एंड गाइज़